जय दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे। आपकी तैयारी एकदम परफेक्ट रही चल रही हो गाइस। तो गाइस देखो, एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताने से पहले मैं आपको रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं गाइस। तो गाइस देखो, टोटल आपकी 16 अलग चार्ज की कितने हो गए, 8 और 4 12, सॉरी 16 नहीं, आपकी 12 शिफ्ट में एग्जाम आपका हो चुका है गाइस। तो गाइस देखो, एक्सपेक्टेड कट ऑफ, एग्जैक्ट कट ऑफ बताना किसी के लिए भी मुमकिन नहीं है, वो डिसाइड करता है आपका आईबीपीएस गाइस। बट एक ऐसा सेफ अटेम्प्ट हमें बता दीजिए सर कि जिससे हम क्या करें, जो मेंस की तैयारी स्टार्ट कर दे गाइस। मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, उतने अगर आपके अटेम्प्ट थे तो आप मेंस की तैयारी करो, बट बच्चों ने नहीं किया, रिजल्ट के बाद स्टार्ट करी तो उनका क्वालिफाई नहीं हुआ एग्जाम। तो ये गलती आप मत करना, उसके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ गाइस। तो देखो गाइस, अभी तक देखो आपकी 12 शिफ्ट हुई, 10 तारीख को, 17 को और 18 को गाइस, ठीक है, चार इसकी। तो अभी तक जो मुझे देखने को मिला है ना, वो क्या मिला है कि जो आपकी डिफिकल्ट शिफ्ट थी ना, वो थी आपकी 10 तारीख को सेकंड शिफ्ट, 17 तारीख को सेकंड शिफ्ट, बाकी जो शिफ्ट थी वो थी इजी टू मॉडरेट गाइस। अब देखो, टॉपर डिसाइड नहीं करता आपकी कट ऑफ, टॉपर है आपका जो 80 आउट ऑफ 80 करके आया, इसको आपको टारगेट करेगा आईपीपीएस की, ये बच्चा अच्छा है इसको आप ले लो गाइस। नहीं, वो बच्चा होता है जो एवरेज अटेम्प्ट करके आ रहा है गाइस, उससे डिसाइड करता है, जिसके लो अटेम्प्ट होते हैं सभी बच्चों में से। क्योंकि क्या होता है कि टॉपर तो क्या होगा, कुछ ही होंगे, ऐसे तो नहीं सारे के सारे टॉपर होंगे, जो लो अटेम्प्ट वाले बच्चे होते हैं उनकी तादाद क्या होती है, थोड़ी सी ज्यादा होती है गाइस। तो उन्हीं को देखते हुए आपकी कट ऑफ डिसाइड की जाती है गाइस, ठीक है। कुछ डाटा लेके आया हूँ मैं 2023 का, जो कंपैरिजन करूंगा मैं वैकेंसी के साथ साथ कट ऑफ का, और इस बार जो आपकी 2024 में क्या कट ऑफ रहने वाली है और क्या आपकी वैकेंसी गाइस। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है पर देखना जरूर, आपको फायदा ही मिलेगा गाइस, ठीक है। देखो, ये मैंने एक डाटा तैयार किया है, इसमें आपको मैंने 2023 की, ये जो आपकी है जो 2000 ये आपकी 2023 की आपकी वैकेंसी है, ये 2024 की वैकेंसी है, ये 2023 की कट ऑफ है और ये 2024 की कट ऑफ रहने वाली, जिसमें आप प्लस माइनस 2 कर सकते हो गाइस। अब देखो गाइस, ये कट ऑफ मैं दिखा रहा हूँ तो कुछ महानुभव ऐसे आएंगे जो ये बोलेंगे सर ये तो हो ही नहीं सकते कट ऑफ गए। तो मैं एक चीज आपको बता दूं, कट ऑफ का डिस्कशन करने से पहले मैं आपको बता दूं, इस बार जो आपकी क्या थी, सेक्शनल टाइमिंग थी गाइस। क्या थी? सेक्शनल टाइमिंग गाइड। अब आपके पास लास्ट टाइम कितने थे? आपके पास लास्ट टाइम तो कंपोजिट टाइम था ना 45 मिनट। 45 मिनट होने के बाद भी तो आप 80 में से 80 कर पा रहे थे क्या? नहीं कर पा रहे थे गाइस। अब इस बार क्या हुआ, 25 मिनट तो आपको रीजनिंग के अंदर मिले, उसमें तो सबने 40 में से 40 कर लिए गाइस। पर जब बात आती क्वांट की, तो क्वांट में क्या था, आपके पास 20 मिनट थे, ठीक है, उसमें आपको 40 में से 40 करना पॉसिबल ही नहीं है गाइस। टॉपर होगा कर सकता है, मैं उसकी बात नहीं करूंगा, पर जो एवरेज बच्चा है ना, जो आपका जो एवरेज बच्चा है, वो अटेम्प्ट कितने कर रहा है, 28 से लेके 30, या वो कर रहा है 32 से लेके 35, फिर भी उसके 5-7 क्वेश्चन तो रह जाते हैं गाइस, वो फर्क पड़ा है गाइस। देखो, कुछ बोलते होंगे टीचर्स लोग आपके कि पेपर इजी था, बट एक एक्चुअल जो बच्चा पेपर देता होता है, मैं भी देख के आया एग्जाम, जैसे आरआरबीपीओ का, उसमें बतेरे बोल रहे थे, लास्ट टाइम भी बोल रहे थे कट ऑफ ये जाएगा वो जाएगा, बट नहीं जाता गाइस। ये अटेम्प्ट करने होते हैं सवाल, तभी तो आप जो कट ऑफ बता रहे हो उतने होने तो चाहिए। अब 20 मिनट में जहां आपके पास कॉम्पोजिट टाइम था, उसमें भी आपके अटेम्प्ट 70 से ऊपर नहीं हो पा रहे थे, तो 20 मिनट में क्वांट में 40 में से 40 करना थोड़ा पॉसिबल नहीं है गाइस, ठीक है। अब हम बात करते हैं हमारी कट ऑफ। तो देखो, ये कुछ डाटा है, जैसे मैं अभी स्टार लगा, मतलब क्या है कि इसमें जो कट ऑफ ऐड होगी नॉट रिपोर्टेड है गाइस, इसमें नॉट रिपोर्टेड है गाइस। अगर वो रिपोर्ट हो जाती है तो वैकेंसी आपकी बढ़ेगी, हम उम्मीद करते हैं कि रिजल्ट से पहले आ जाए, बट फाइनल रिजल्ट से पहले पहले वो ऐड कर देते हैं गाइस। अब देखो, लास्ट टाइम कट ऑफ कितनी थी आपकी, ये 67 से आपकी कितनी हो रही है इस बार, अब 150 और पहले 678 वैकेंसी थी, अब 150+ वैकेंसी है। लास्ट टाइम कट ऑफ कितनी थी, 54 थी, जो इस बार कट ऑफ क्या हो सकती है, 62 से 64, ये मिनिमम और मैक्सिमम लेके अभी चल रहा हूँ।
उसके बाद जो सरप्राइजिंग होगा इस बार बिहार, लास्ट टाइम भी इसने सरप्राइज किया था बिहार ने। अब देखो कंपोजिट टाइप होने के बाद भी बिहार की कट ऑफ कितनी थी, ये जनरली कट ऑफ है, कितनी थी आपकी 68.25। अब वैकेंसी कितनी है आपकी 542, तो कट ऑफ कैसे जाएगी ज्यादा गाइस? अगर आपके ये अटेम्प्ट है तो मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ कि आप पेज देने वाले हो गाइस, ठीक है। कोई ऐसा टीचर नहीं है जो बता दे आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ, एग्जैक्ट बताना पॉसिबल ही नहीं है। थोड़ा प्रिडिक्शन करते हैं, किसी का सही हो जाता है तो हल्ला करना शुरू हो जाता है। अगर मैं आपको बोलूंगा इस रेंज में अगर आपके अटेम्प्ट है तो आराम से आप मेंस की तैयारी स्टार्ट कर दो। गुजरात 94 कट ऑफ थी, सॉरी वैकेंसी थी, इस बार कितनी है 150 प्लस है तो 70 थी, इस बार कितनी जाने वाली है 66 से 68 के बीच में जाने वाली है, क्योंकि सेक्शनल टाइमिंग का इम्पैक्ट पड़ेगा गाइस, ठीक है। बाकी जो आपकी स्टेट हो उसमें देख लेना गाइस। अब लास्ट ईयर जम्मू एंड कश्मीर में 141 वैकेंसी थी, इस बार कितनी आपकी 45 है, कट ऑफ तो डेफिनेटली बढ़ेगी ना, थोड़ी सी बढ़ेगी बट ज्यादा नहीं बढ़ने वाली है। उसके बाद कर्नाटका में देखो कितनी वैकेंसी थी, 450 थी, इस बार कितनी है 200 वैकेंसी थी, लास्ट टाइम 68.25 थी, तो इस बार जो कट ऑफ है 68 से लेके 71 के आसपास जाएगी, इससे ज्यादा नहीं जाने वाली है। महाराष्ट्र में क्या थी, 250 वैकेंसी के आसपास थी लास्ट टाइम, इस बार कितनी है 172, कट ऑफ जो है वो आपकी वापस इसी रेंज में रहेगी, वो ज्यादा नहीं जाने वाली क्योंकि आपको पता है सेक्शनल टाइमिंग है, ऊपर से 20 मिनट में क्वांट अटेम्प्ट करना पॉसिबल नहीं है गाइस, ठीक है। तो दुरंधर होंगे वो बोलेंगे, इसमें भी कमेंट जरूर करेंगे ऐसे इंसान के साथ जो आप कट ऑफ बता रहे हो वो पॉसिबल थोड़ी है। तो बेटा तो पहले भी आपको बता रखा हूँ वीडियो के स्टार्टिंग में बोला 20 मिनट में क्वांट को पॉसिबल नहीं है, 40 में से 40 करना गए या कितनी भी स्पीड हो, मॉक टेस्ट आपने लगाई होगी उसमें परसेंटाइल आपने देखा होगा, आपकी एक्यूरेसी आपको पता है कि एक ना दो परसेंट तो गलत हो ही जाते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं आपके हिमाचल प्रदेश की, तो कट ऑफ मतलब वैकेंसी 91 थी, इस बार आपकी 99 है, तो कट ऑफ 70 से 72 के बीच में ही रहने वाली है, ठीक है। अब सबसे हॉट जो आपका होने वाला है इस बार वो होने वाला है मध्य प्रदेश, इसमें 378 वैकेंसी थी लास्ट टाइम, इस बार 657 वैकेंसी है, तो कट ऑफ जो है वो आपकी 66 से 68 के बीच में जाएगी, 68 मैक्सिमम ले रहा हूँ, उससे ज्यादा नहीं जाने वाली, मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद आपकी जो बात करें वेस्ट बंगाल की, तो वेस्ट बंगाल लास्ट टाइम 555 वैकेंसी थी, इस बार 155 है, इसकी कट ऑफ आपकी 72 से 74 के ही बीच में जाने वाली, इससे ज्यादा नहीं जाने वाली, ठीक है। उत्तर प्रदेश 539 वैकेंसी थी लास्ट टाइम, इस बार अगर बड़ोदरा बैंक ने एड ऑन किए जो आरटीआई में दिखा रहा है तो इसमें कितनी वैकेंसी हो जाएगी टोटल 948, तो लास्ट टाइम कट ऑफ कितनी थी 74.25, इस बार जो है 70 से ज्यादा नहीं जाएगी, लिख के ले लो गाइस। अगर आपके अटेम्प्ट ये वाले हैं 65 से लेके 70 के बीच में, आप मेंस की तैयारी स्टार्ट कर दो, मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ आपका मेंस निकल जाएगा। उसके बाद तेलंगाना की बात करें तो ये भी आपका सरप्राइजिंग होने वाला स्टेट, 122 वैकेंसी थी लास्ट टाइम, इस बार 420 के आसपास वैकेंसी है, तो कट ऑफ 58 से लेके 70 के बीच में ही जाएगी। उसके बाद एक और सरप्राइजिंग स्टेट राजस्थान, इसमें 195 है, अभी कितनी है 645, उसमें भी अगर आरटीआई के हिसाब से अगर वैकेंसी बड़ोदरा बैंक ने ऐड की है तो ये कट ऑफ आपकी मैक्सिमम टू मैक्सिमम 67 जाएगी, इससे ज्यादा नहीं जाने वाली है, बहुत ही ज्यादा वैकेंसी इसके अंदर देखने को मिली है गाइस, ठीक है। उसके बाद पंजाब में भी आपकी वैकेंसी बढ़ी है 133 से लेके 348 वैकेंसी हो गई, तो कट ऑफ जो है 68 से लेके 71 के बीच में जा सकते हैं गाइस। उड़ीसा ऐसा है तो हर बार सरप्राइज करता है, इसमें थोड़ी सी वैकेंसी बढ़ी है, ठीक है, तो 100 के आसपास वैकेंसी बढ़ी है, तो कट ऑफ आपकी 70 से लेके 78 की 72 के बीच में रहने वाली, इससे ज्यादा नहीं रहने वाली गाइस। बाकी आपने कैसे अटेम्प्ट किए हैं, क्योंकि देखो जैसे मेरा जो एग्जाम था आरआरबी क्लर्क का वो था 10 तारीख को थर्ड शिफ्ट में, जो मेरे अटेम्प्ट है वो अटेम्प्ट 75 और मेरी जो एक्यूरेसी है वो 101% एक्यूरेसी है, ठीक है। मैंने ना 2022 या 23 में दिया था जिसमें 80 अटेम्प्ट थे, नंबर जो मेरे आए थे पता कितने आए थे 65 के बीच में आए थे, तब से मैंने एक चीज बना ली, अटेम्प्ट कम हो जाए चल जाएगा बट एक्यूरेसी को खराब नहीं करूंगा, क्योंकि अगर आपने देखा होगा अगर आपकी 100% एक्यूरेसी होती है तो आपको बेनिफिट मिलता है उस चीज का गाइस, ठीक है। बाकी आपको बोलूंगा मेंस की तैयारी स्टार्ट कर दो, रिजल्ट का वेट मत करो,
वही होगा जो लास्ट टाइम हुआ था, एकदम कट ऑफ ने सरप्राइज किया था। एसबीआई ने क्या किया था, क्लब में बिल्कुल कट ऑफ कम कर दी, बच्चों के साथ धोखा हो गया, उस टाइम वो बेच की तैयारी नहीं कर पाए। आपको मैं यही बोलूंगा बेच की तैयारी करो, कुछ घाटा नहीं होगा, आपको बेनिफिट ही मिलेगा बेच की तैयारी करोगे तो। आईबीएस क्लब बेच होगा, फिर आईबीएस पीओ बेच होगा, एसबीआई पीओ आएगा, और उम्मीद करते हैं कि एसबीआई क्लर्क आने वाला है, एलआईसी असिस्टेंट भी आने वाला है, तो ये सब में आपको बेच का फायदा मिलेगा ही मिलेगा। बाकी हमारे टेलीग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा नीचे, वहां से जाओ ज्वाइन करो, और डेली बेसिस पे बेस के मैं टारगेट स्टार्ट कर चुका हूँ वहाँ पे, और आपको देना है और आपका जो भी स्कोर कार्ड आता है टेस्ट सीरीज मेरे साथ शेयर करना है, ठीक है। और मुझे जरूर बताना किस स्टेट से आपने अप्लाई किया था और कितने आपके अटेम्प्ट है गाइस, और कौन सी शिफ्ट थी आपकी गाइस, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।